हरियाणा रोडवेज के एक ड्राइवर का शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने का मामला सामने आया है। पानीपत डिपो की यह बस है और पानीपत से उरलाना जा रही थी। इसी दौरान बस में सवारियों को चालक और परिचालक के शराब पीने की आशंका हुई, जिसके बाद चेक किया तो चालक और परिचालक के पास शराब की बोतलें भी निकली। विभाग को जैसे ही इस संबंध में जानकारी मिली, वैसे ही ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया। चालक की पहचान राजेश के रूप में हुई। एक महीना पहले ही वह जींद से ट्रांसफर होकर आया था। और चालक का मैसेज आया था कि चालक ने दारू पी हुई है और गाड़ी वहाँ खड़ी है और लाना कला में। तो हमारे पास जैसे ही परिचालक का मैसेज आया, हमने दूसरे चालक से उसकी गाड़ी मंगवा ली और विभाग ने उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंशन कर दिया है। कहाँ से कहाँ तक सही इनकी ड्यूटी थी? इनकी उरलाना से पानीपत ड्यूटी थी। क्या नाम था? राजेश, चालक संख्या 26। अब वहाँ इसका विरोध करने के हंगामा भी कुछ हुआ है? सवारी के साथ बदतमीजी भी वहाँ भी की गई है? ये तो सर हम नहीं कह सकते, हम तो मौके पे नहीं थे वहाँ। जैसे कि हमारे पास परिचालक ने सूचना दी, हमने दूसरा चालक भेज के ना गाड़ी यहाँ मंगवा ली सवारी के समेत, और लिखित रूप में कोई हमारे को ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा। परिचालक की शिकायत के आधार पर? हाँ, परिचालक ने जैसे ही परिचालक ने कहा कि चालक ने शराब पी रखी है, सवारी हंगामा कर रही है इसके साथ ही, यहाँ आप दूसरा चालक भेज दो यहाँ। तो हमने दूसरे चालक से गाड़ी यहाँ मंगवा ली थी और विभाग के पास वीडियो आते ही उसको सस्पेंड कर दिया था। वीडियो देखिए सर आपने? हाँ देखी है वीडियो, मैंने भी देखी है। क्या कुछ देखा सर वीडियो में आपने? वीडियो में चालक खड़ा था तो एक सवारी की ओर से कह रही थी आप शराब पिए हुए हो, तो उसका कुर्ता उठाया उसने तो उसके शराब की बोतल उसके आगे मिली है, डाल रखी थी उसने। उसके आधार पर टीएम साहब का मेरे पास फ़ोन आया, टीएम साहब ने फ़ोन पर कहा मेरे को भाई इसको ड्यूटी पर नहीं लेना है, हम इसको आके सुबह सस्पेंड कर रहे हैं। पहले भी इसकी शिकायतें? पहले ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, ये जींद से बदल का भी महीना ही हुआ आया था ट्रांसफ़र हो गया।